मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। आज 9 अगस्त को अगस्त क्रांति मैदान से सदियों से चले आ रही परंपरा में शामिल होने वर्तमान सरकार यानी कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार के साथ छगन भुजबल और कई दिग्गज नेताओं भी शामिल हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का इंतजार करते हुए नजर आए। अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ देश के कई मुद्दों पर कांग्रेस के दिग्गजों ने हमसे बात की। इसमें गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या आज कांग्रेस उन तमाम जो देश में हो रहा है जिस तरह से उन घटनाओं के खिलाफ खड़ी होगी क्या? बिल्कुल, जिस तरह से आपने मेरा भाषण में सुना होगा, मैंने इस बात का पूरा क्लियर इंडिकेशन दिया है कि जिस तरह से 8 अगस्त को रात को यहाँ पे एक बैठक हुई और जिसमें यह तय किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये जो नारा दिया, उसके बाद बहुत से लोगों को धरपकड़ हो गई। ये आपको सब मालूम है, महात्मा गांधी जी को भी उस वक्त जेल में डालने का काम हुआ, लेकिन वो लड़ाई रुकी नहीं। इसी तरह से इस देश में से जातिवाद को मिटाना है, इस देश में से समाज के अंदर पैदा करने वाले द्वेष को निकालना है, तो उसके साथ भी हमारे आने वाले दिनों में लड़ाई रहेगी और सभी के को हम भारत जोड़ने का काम करने वाले आने वाले। आज का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए देश में एक नई ताकत बनकर उभरी थी और इस देश को आज़ादी मिली है। आज हम लोग सब यहाँ पर उन हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने आए जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किया है, इस देश की कुर्बानी को याद करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा है और यहाँ से एक नया मूवमेंट शुरू होने जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को चले जाओ का जो नारा दिया था, वही दिन था कि जिस दिन हर भारतीय अपना देश स्वतंत्र होने के लिए शपथ ली थी कि हम लोग मरेंगे या जिएंगे लेकिन ये देश आज़ाद करके रहेंगे, वही ये दिन था। उसके बाद में ये देश स्वतंत्र करने का जो एक काम था वो बहुत जोर से चालू हुआ और देश को आज़ादी मिली। 1942 में गांधी जी को जो है वो आगा पैलेस खान में कैद कर लिया गया था, लेकिन आज उन्हीं के वंश तुषार गांधी जी को भी डिटेन कर लिया गया है और तमाम एक्टिविस्ट को भी डिटेन किया गया है ताकि वो सच्चाई की आवाज़ उठाना सके। हमारे सुबह उनके साथ ही रैली थी, अभी इसके बाद हमारे उनके साथ ही रैली थी, लेकिन दुर्दैव से उनका सुबह मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उन सबको डिटेन किया गया है क्योंकि सरकार का वहाँ पर कार्यक्रम है और उनकी रैली निकल रही थी तो उसको रोकने का काम किया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी रैली का उनका क्या था। उनकी रैली निकलने वाली थी लोकमान्य तिलक जी के गिरगांव के हमारे चौपाटी के यहाँ से और जाने वाली थी स्तंभ तक, तो मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों रोका गया जबकि उनका कार्यक्रम हर साल का कार्यक्रम है और हर साल वो लोग करते। इस बार गवर्नमेंट का पहली बार कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित करने का काम हुआ है, तो महात्मा गांधी जी को जो नापते हैं उनको आप अटक नहीं करते, उनके समर्थन में आप गुरु जी कह के उनको पुकारते हैं, तो पहले तो उनको अटक कर दीजिए ना। जो स्वतंत्र सैनिक की बात कर रहे हैं, जो दूरपोशी की बात कर रहे, तो उनको पहले अटक कर दीजिए। तलवारों को भी नजर बंद कर दिया गया उनके घर के अंदर, बिल्कुल उनको बिल्कुल नजर बंद करने का काम हुआ। क्यों हुआ? क्या ये अंग्रेजी वाली नीति तो नहीं? ये इसलिए तो हम कह रहे हैं इनके खिलाफ हमारे आने वाले दिनों में लड़ाई होगी। इतिहास रिपीट हो रहा है और जिस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपने हिसाब से आज का दिन मनाने की पूरी आज़ादी है। देखिए ये तो इनका एक हमेशा बोलते हैं ना कि मैंने जैसे कहा डेमोक्रेसी में मानते नहीं है, इनके विरोध कोई अगर बात करे तो उनके घर पे ईडी सीबीआई पुलिस जितने भी गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसीज है सारे एजेंसीज को काम पे लगाते हैं और उनके खुद के गुंडे जैसे यूज़ करते हैं। तो आज ये पुलिस का भी ये उनके पर्सनल गुंडे हो गए। अगर कोई डेमोक्रेसी के बारे में बात करना चाहता है, कोई एक अपना आवाज़ उठाना चाहता है, किसी के विरोध में प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसको प्रोटेस्ट नहीं करने देना ही ये सरकार का काम है। तो ऐसे ही आज तुषार जी को भी आप देख रहे हैं कि घर पर रोक दिया है। वो आज सारे एनजीओस के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सारे एनजीओस हमारे साथ मिलकर एक पदयात्रा भी निकालने वाले थे। तो ऐसे ही आप देखो सब जगह ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। ये सिर्फ तुषार गांधी जी के बारे में नहीं है, गांधी जी के नवासे हैं बट
वैसे सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहा है, इस देश के हर आदमी के साथ, जो भी भाजपा के विरोध बात करेगा, जो भी मोदी जी के विरोध बात करेगा, वो दिखाते हैं कि हम तुम्हारी ये हालत करेंगे। आज जो इन्होंने कार्यक्रम लिया उसमें पहले डिप्टी सीएम आ जाते हैं और उसके पीछे डिप्टी सीएम कार्यक्रम करने के लिए आते हैं, ये कैसा है? और सीएम उनका इंतजार करके रहे हैं। ये नीति कैसी सही है? बहुत अच्छा है। क्या सर, मैं ये समझती हूँ कि जो सरकार बनी है अगर उनको सच में श्रद्धांजलि के लिए स्वतंत्र सैनिकों को, थोर पुरुषों को, तो पहले तो उनको अटक कर दीजिए जो ये महापुरुष पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्र ध्वज की बात कर रहे हैं, राष्ट्र 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको तो पुलिस संरक्षण देके रखा है। पहले तो मेरा कहना है मनोहर कुलकर्णी जी को अटक कीजिए, जो जो ये समाज में द्वेष पैदा करने वाले लोग हैं इनको पहले अटक कीजिए। आजादी में इनका क्या योगदान है? वही तो सबसे बड़ी खोज है, उसके ऊपर एक खोज कमेटी बनानी पड़ेगी जो ये खोज करके निकाले कि इनका आजादी में क्या कोई योगदान है। आने से पहले तो बहुत कहा गया था कि हम जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन आज जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां को देखकर आंखें बंद कर ली जा रही है। देखिए ऐसा है कि भाजपा का ये एक सरीका रहा है कि जिसपे भी एक एक्यूजेशन होता है, मतलब करप्शन का या कोई भी चीज़ का, तो वो इमिडिएटली उसके सपोर्ट में उतर जाते हैं, उसको ख़त्म करने में नहीं लगते। आज कितने सारे, आपको पता है कि यूपी में एक एमएलए के ऊपर भाजपा के रेप का केस हुआ, उसके विटनेसेस को निर्गुण तरीके से हत्या किया गया, लास्ट में वो एमएलए कन्विक्ट हुआ, बट वो कितना पब्लिक प्रेशर के बाद कन्विक्ट होना पड़ा उसको। तो कहीं ना कहीं ये सब जताता है कि देश में भाजपा की मेंटालिटी क्या है। वो डेमोक्रेसी को नहीं चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहते हैं, वो कोर्ट्स को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, वो दिखता है। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, देश में विपरीत परिस्थितियां जो आज खड़ी हुई है, यही कारण है। देश में परिस्थिति है और 1942 में गांधी जी ने कहा था करो या मरो, क्या कांग्रेसियों के सामने अब वही पोजीशन आ चुकी है कि करो या मरो? कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। उस समय हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, आज भी हम जहाँ भी अन्याय है, जैसे महंगाई एक अन्याय है, बेरोजगारी अन्याय है, इन अन्यायों के खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा या सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू जी ने देखा या मौलाना आज़ाद जी ने देखा, उस सपने को कहीं ना कहीं पूरा न कर पाने में ये जो मौजूदा केंद्र की सरकार है वो नज़र आ रहा है कि उनके सपने को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने जो चाहा था सर्वधर्म समभाव, उन्होंने जो चाहा था कि सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहें, यहाँ पर विभाजनकारी राजनीति न हो, यहाँ पर नफरत न फैले, ठीक उसके विपरीत हो रहा है। नफरत फैलाई जा रही है, विभाजनकारी राजनीति हो रही है, जनता को डिवाइड किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कोई और शहर हो या कोई राज्य हो। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के माहौल को प्रदूषित कर दिया है, अगर आज ऐसा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। आज के दिन यहीं पर अगस्त क्रांति मैदान पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो DCM हैं वो आए हुए हैं, मेरी उनसे और मुख्यमंत्री से विनंती है कि आज के दिन इसी मैदान पर, इसी ऐतिहासिक मैदान पर आप ये प्रण करें कि जो गांधी जी के मूल्य थे, जो सरदार पटेल जी के मूल्य थे, जो मौलाना आज़ाद जी के मूल्य थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मूल्य थे, उन मूल्यों पर हम चलेंगे, ऐसी शपथ उनको आज लेनी चाहिए और इस देश को सुजलाम सुफलाम के मार्ग पर ले जाना चाहिए। ऑलरेडी करो या मरो का नारा लेकर ही सब कांग्रेसी मैदान पर उतरे हैं, और ऐसा है कि आज देश में करो या मरो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जनता भी उसी हालत में उतर गई है, क्योंकि आज महंगाई कितना बढ़ गया है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, और जातीय दंगे कितने बढ़ गए हैं। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं आज देश की जनता भी त्रस्त है, और उनको भी पता है कि ये करो या मरो का सिचुएशन है। 2024 में अगर ये सरकार बनती है तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नाम का चीज़ नहीं बचेगा, ये सभी लोग जानते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। इसके वजह से सिर्फ कांग्रेस ही करो या मरो पे नहीं है, देश के हर जनता, देश का हर आदमी, नागरिक करो या मरो सिचुएशन पे। लड़ो या मरो की स्थिति नफरत को मिटाने के लिए है, लड़ो या मरो की स्थिति जो है वो द्वेष को मिटाने के लिए या जातिवाद को मिटाने के लिए जरूर ये परिस्थिति है, और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ेगा। सेनानी, स्वतंत्र सेनानी जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उस वक्त कुछ पार्टियां मुस्लिम लीग और कुछ आता तो सामाजिक पार्टियां उनके साथ मिलकर विभाजनकारी कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया। क्या वही राजनीति अब भी शुरू है, सेम वही पैटर्न पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्या सर?
बिल्कुल, बांटो और सत्ता में रहो, यानी अंग्रेज जिस फार्मूला पर चलते थे डिवाइड एंड रूल, उसी पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है, मणिपुर में भी भाई भाई से लड़ा, वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वस्त्रहीन किया गया उनको। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत देश में ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो सत्ता है वो पिछले 85 दिन से या 90 दिन से चुप बैठी है। नरेंद्र मोदी मणिपुर के विषय पर बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव भी जो पार्लियामेंट के अंदर लाया गया है विपक्ष द्वारा कि नरेंद्र मोदी आपको राजधर्म सीखना चाहिए, आपका राजधर्म ये है कि सभी लोग खुशी रहें, सर्वधर्म समभाव यहाँ पर रहे। कुछ तमाम जो हिंदुस्तान जो है वो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे दल थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या दूसरे अन्य दल हो, वो सब मिलकर जो विभाजन वाली राजनीति कर रहे थे, जिसके कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। क्या वही मॉडल आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो पार्टीशन के टाइम पे, जो फ्रीडम के बाद में जो हुआ वो हुआ, उसके बाद देश 75 साल आगे आ चुका है, और 75 साल के बाद भी जो ये गोरों की रणनीति रही है कि डिवाइड एंड रूल, वही डिवाइड एंड रूल को अपना रहा है ये सरकार। गोरों के रास्ते ही चल रहे हैं, और कांग्रेस वालों ने तो डिसाइड किया है गोरों से हम लड़े थे, अब हम चोरों से लड़ेंगे। बोला ना, गोरों से हम लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे नारा को लेकर इसका विरोध जो है वो सत्ता पक्ष के लिए किया जाता है कि हम सत्ता पक्ष के लिए यही नारा इस्तेमाल करते हैं कि वो देश छोड़ के चले जाओ। गलत है, देश छोड़ के किसी को चले जाने का जरूरत नहीं। ये देश के आज़ादी के लिए हर नागरिक ने अपना योगदान दिया है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, लेकिन सारे भारतीय संगठित होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा दिया था, और इसलिए ये देश आज़ाद हुआ। तो हर नागरिक को यहाँ रहने का अधिकार है, मुझे ऐसा लग रहा है। यह अधिकार किसी से छीन के लेने का किसी का भी ये होना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद सारे देशवासी है, और उसके लिए हमारे जो जो है वो सत्ता दल पर ये आरोप लगाती है कि वो जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये नारा हम इनके खिलाफ इस्तेमाल करें। मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी आज सारा विश्व इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए, विश्व शांति का अगर संदेश लेके काम कर रहे हैं तो हम हमारा हिंदुस्तान शांत रहे, सारे भारतीय संगठित रहे और विकास का काम करे, ये हम लोग करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि उनके विरोध नारे लगाने की बात नहीं है। आज क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको पता है अगस्त क्रांति क्यों दिवस मनाया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट आज शुरू हुआ था। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो आज इस देश के अंदर शुरू हुआ था, वैसे क्विट बीजेपी मूवमेंट भी आज शुरू हो जाएगा। आज उनको ये डर लग गया कि अगस्त क्रांति के दिन क्विट बीजेपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इसके लिए डर के कारण ये सब लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। अपनी सत्ता बचाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, और ये बार बार देखने को मिला है। अब देखने की बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ पर जाती है, क्या रंग लाती है, किस तरह से वो अपने वोट बैंक बनाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन मसब के साथ मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए।